स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीडियो वीजा से रिलेटेड होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रीलंका के वीजा के रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको श्रीलंका का ETA कैसे फिल करना है, जो आपकी काफी हेल्प करेगा। अगर आप कभी श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके अपना श्रीलंका का ETA ले सकते हैं। और काफी लोगों को पता, जिनको नहीं पता तो उनको बता देना, 31 मार्च 2024 तक श्रीलंका ने इंडियन नेशनल के लिए वीजा फ्री कर दिया है। मतलब आप वीजा के कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर वीजा फ्री प्रोसेस सस्पेंड भी होता है तो आपका ETA फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस आपको $20 का पेमेंट करना होगा। ये वीडियो फ्यूचर में भी आपको श्रीलंका वीजा लेने में हेल्प करेगा। और प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया और श्रीलंका के इमिग्रेशन में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे। इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे वीजा का पूछा तो मैंने कहा भैया श्रीलंका अभी इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, बट मेरे पास ETA अप्रूवल है। तो उन्होंने बोला ETA अप्रूवल दिखा दो, तो मैंने उसको फोन में दिखा दिया था। तो उसने 2-3 बार जूम करके देखा, पता नहीं क्या देखना चाह रहा था वो। फिर उसके बाद उसने स्टैंप लगा करके मुझे इंडिया से डिपार्चर दे दिया। और श्रीलंका के इमिग्रेशन में मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है, तो मैंने बता दिया मैं टूरिज्म पर्पस से आया हूँ। फिर मुझसे पूछा कि आप कितने दिन के लिए श्रीलंका में रहने वाले हैं, तो मैंने कहा भैया मैं 15 दिन के आसपास मैं रहने वाला हूँ श्रीलंका में। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई श्रीलंका में आप कहाँ रुकोगे, तो मैंने कहा यार मुझे एक ही होटल का नाम पता था, मैंने सिर्फ एक नाइट की प्रॉपर्टी बुक करा रखी थी, कोलंबो सीवन फोर्ट मुझे पता था, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं कोलंबो सीवन फोर्ट में रुकूंगा। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प करके मुझे श्रीलंका में एंट्री दे दी। तो ज्यादा कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ा जाओगे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है क्यों है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने फेसबुक पे और इंस्टा पे काफी जगह देखा कि लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका वीजा फ्री हो चुका है, पासपोर्ट उठाओ और श्रीलंका पहुंचाओ। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ETA फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो हो सकता है कि आपको इंडियन इमिग्रेशन से क्रॉस ना करने दिया जाए। अगर गलती से आपको इंडियन इमिग्रेशन से क्रॉस कर भी दिया तो आपको कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचे डिजिटल अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, और उसका रेफरेंस नंबर आपको ETA फॉर्म फिल करने के बाद ही मिलेगा। और डिजिटल अराइवल कार्ड आप इमिग्रेशन ऑफिसर को फिजिकल भी भर के दे सकते हैं, या फिर आप जब बाहर आएंगे तो एयरपोर्ट पे लेफ्ट साइड में काफी सारे कंप्यूटर सिस्टम रखे हैं, तो उस पे भी आप अपना ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना श्रीलंका का ETA का फॉर्म फिल कैसे करना है। श्रीलंका ई वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे श्रीलंका ई वीजा टाइप करना होगा। ये काफी सारे एजेंट लिंक खुल करके आ गए, लेकिन हमें जाना है इस वाले लिंक पे www.eta.gov.lk। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा और इसको आपको करना है ओके, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इंग्लिश लैंग्वेज। और श्रीलंकन ETA अप्लाई करने के लिए आपको ये जाना होगा अप्लाई ऑप्शन पे, और फिर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आई एग्री बटन को क्लिक करना है। अब जैसे कि मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, तो कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा मेरे सामने। तो अब मैं डिटेल्स डालना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है अपना सरनेम, इसके बाद आपका गिवन नेम, और फिर टाइटल जो भी आप है, मिस्टर मिसेस, मैं मिस्टर डालता हूँ यहाँ पर। अब डेट ऑफ बर्थ डालना है मुझे इसमें, और कुछ भी रैंडम डेट ले लेता हूँ, 1 जनवरी 1990। फिर आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडिया। फिर एक ऑप्शन आएगा आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19, तो यस। कंट्री ऑफ रीजन ऑफ बर्थ, तो वो भी इंडिया ही है, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। फिर ऑक्यूपेशन में मैं बिजनेस डालता हूँ, आपका जो भी ऑक्यूपेशन हो आप डाल सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरी डाल दें, सेल्फ आप यहाँ पर कुछ भी एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डालना अपना पासपोर्ट नंबर, मैं कुछ भी रैंडम एक बार पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। फिर आपका ये ऑप्शन आएगा पासपोर्ट इशू डेट, तो जब भी आपका पासपोर्ट इशू हो रखा हो तो मार्च 1 से लेकर के, जहाँ पर आपको पासपोर्ट इश्यू डेट और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालनी है आपका ये नीचे। फिर ऑप्शन आएगा चाइल्ड इन्फॉर्मेशन इन पेरेंट पासपोर्ट, तो अगर आपके साथ कोई बच्चे वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, अदरवाइज आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं मेरी तरह तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ दो। फिर आपको आना है नीचे, फिर ये ऑप्शन है वेयर यू हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज बिफोर दिस ट्रैवल, तो मैं इंडिया में ही था। आप जहाँ भी हो वहाँ पर आप डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर वीज़ा रिक्वायर्ड डेज 30 डेज, ये डिफॉल्ट ही आता है, इसमें आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप 30 डेज डालेंगे। डेट ऑफ अराइवल, मैंने अप्लाई कर दिया था तो मैं रैंडम डेट डालता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ 21 मार्च 2024, तो मेरी अराइवल डेट ये हो गई।
पर्पज ऑफ विजिट तो मैं साइट सींग और हॉलीडिंग सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं टूरिज्म पर्पज से जा रहा हूँ, तो यही भरना है आपको अगर आप टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं। फिर पोर्ट ऑफ डिपार्चर, तो पोर्ट ऑफ डिपार्चर अपना डालना है न्यू दिल्ली, जो भी आपका एयरपोर्ट होगा जहाँ से भी आप फ्लाइट लेंगे तो वो पोर्ट ऑफ डिपार्चर होगा। जैसे मैं न्यू दिल्ली से लूंगा तो न्यू दिल्ली हो गया। यहाँ पर आप एक चीज देखना कि जो स्टार्स है वो मैंडेटरी, जहाँ पर जैसे एयरलाइन वेसल फ्लाइट ये मैंडेटरी नहीं, चाहे तो भर भी सकते हैं, यहाँ पर जरूरी भी नहीं है। जहाँ पर ये रेड स्टार है वो मैंडेटरी है, उसके बिना फिर आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका एड्रेस होगा पासपोर्ट पे, लोकल एड्रेस, जैसे मैं जयपुर अभी तो रैंडमली डाल देता हूँ, मैं यहाँ भी मैं जयपुर डाल देता हूँ। स्टेट राजस्थान, जिप कोड 30 30 20 21, कंट्री और रीजन इंडिया। अब आपको यहाँ पर श्रीलंका का एड्रेस कुछ भी डाल दो, आप booking.com से कुछ भी ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं कोलंबो डाल देता हूँ, कोलंबो C14, जो मैंने कोलंबो में अपना होटल लिया था। एड्रेस इन श्रीलंका के बाहर डालना है आपको ईमेल एड्रेस, क्योंकि जो भी आपका वेरिफिकेशन आएगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। अजय चौहान 12345@gmail.com। फिर उसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मैं रैंडमली कुछ भी डालता हूँ। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ टेलीफोन नंबर में डालना है, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं मोबाइल नंबर में, वही सेम नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, डू यू हैव बीन वैलिड रेजिडेंस, तो मैं इसको नो करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई रेजिडेंस वैलिड रेजिडेंस नहीं है श्रीलंका का। आर यू करंटली इन श्रीलंका विद ATA और ऑप्टेंड एक्सटेंशन ऑफ वीजा, तो मैंने कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं लिया तो नो। डू यू हैव मल्टीपल एंट्री वीजा श्रीलंका, तो आपको नो ही करना है क्योंकि आपके पास वीजा नहीं है इसलिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हो। फिर प्लीज कंसिडर इन्फॉर्मेशन यू एंटर्ड बिफोर कन्फर्मेशन, तो उसके बाद आपको सब कुछ ये फिल करने के बाद में, सब कुछ ये फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आकर के इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सारी डिटेल जो आपने फिल करी है तो यहाँ पर एक बार रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगा तो उसको जाके आप करेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर $0 फीस दिखा रहा है। अभी 31 मार्च तक अभी वीजा फ्री है इंडियंस के लिए, इनकेस अगर वीजा फ्री सस्पेंड होता तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको इसके बाद जाके पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं लास्ट में कन्फर्म करूंगा, मैं कन्फर्म करूंगा, कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। और अभी देखते हैं कितनी देर में मुझे ETA का कन्फर्मेशन मिलता है, फिर मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ उसमें। तो दोस्तों मेरा जो ETA अप्रूवल आया था वो लगभग 24 आवर्स में आया था। काफी लोग क्लेम करते हैं उन्होंने 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में आता, लेकिन मेरा तो 24 आवर्स में आया था। और जो आपको ये रेफरेंस नंबर दिखाया, ये रेफरेंस नंबर से या पासपोर्ट नंबर से अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है श्रीलंका ETA का, इसमें ना आपको पासपोर्ट की PDF अपलोड करनी है, ना फोटो अपलोड करनी है, ना कंफर्म होटल बुकिंग दिखानी है, ना फ्लाइट दिखानी है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपका हेल्प करेगा श्रीलंका ETA अप्लाई करने में। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट आपको मिलेगा श्रीलंका ब्लॉग्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्रीलंका के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।